गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में पढ़ा रही हूँ। ये जो टॉपिक है आपका, ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, स्कूल लेक्चर जो आगामी दिनों में होने वाली है उसके लिए, सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से मेरी वीडियो को देखें, सुने और समझें। गुट निरपेक्षता होती क्या है, गुट निरपेक्षता वर्ड आया कहाँ से, ये प्रश्न सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए। गुट निरपेक्षता का पहला कारण था विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है दो भागों में बढ़ चुका था। पहला था आपका अमेरिकन गुट और दूसरा था आपका सोवियत संघ का गुट। अमेरिका का जो गुट था विद्यार्थियों, वो पूंजीवादी गुट था, जबकि सोवियत संघ का जो गुट था वो साम्यवादी गुट था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों महाशक्तियों के बीच में क्या हो गया, संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी और इसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां ही एक अपने अपने गुट में विश्व राष्ट्रों को शामिल कर रही थी और इन दोनों के मध्य एक होड़ लगी हुई थी कि विश्व राष्ट्रों को किसी भी तरह अपने गुट में शामिल करे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध हुआ बच्चों, उसके कारण जो है क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ, उसी समय 1947 में भारत भी क्या हुआ था, आजाद हुआ था। अब दिमाग में ये आ रहा था कि अमेरिकन गुट और सोवियत संघ के गुट दोनों तरफ से भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो किसी भी एक गुट में शामिल हो जाए। उसी समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय लिया कि हम ना तो अमेरिकन गुट में शामिल होंगे और ना ही हम सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे, क्योंकि भारत का को पता था कि अगर अमेरिकन गुट में वो शामिल हो जाएगा तो रसिया उसका विरोधी हो जाएगा और अगर रसिया गुट में शामिल हो गया तो अमेरिका भारत का दुश्मन बन जाएगा, सैनिक गुटों का प्रतिपादन हो जाएगा और विश्व को तीसरे विश्व युद्ध का सामना भी करना पड़ सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया था विद्यार्थियों, और इसी स्वतंत्र विदेश नीति का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे कृष्ण मेनन साहब। और जब भारत ने इस स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया तो इसको पहली बार भारत में गुट निरपेक्षता नाम देने वाले थे कृष्ण मेनन साहब। कौन थे, कृष्ण मेनन साहब ने सबसे पहले नाम को गुट निरपेक्षता का नाम दिया था। तो आपको ये तो क्लियर हो गया गुट निरपेक्षता क्यों आया, शीत युद्ध के कारण आया, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देख करके आया कि हर राष्ट्र को स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिए, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, विश्व राष्ट्रों में शांति को बढ़ाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गुट की आवश्यकता थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि 1949 से ही एशिया और अफ्रीकन राष्ट्रों के सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे ताकि स्वतंत्र विदेश नीति के पथ पर वो आगे बढ़ सके। इसी को आगे बढ़ाते हुए 1954 में जो कोलंबो में सम्मेलन होता है, एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1954 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इस गुट का नाम रखा। नाम क्या रखा विद्यार्थियों, नाम के नाम से इस गुट को संबोधित किया, कोलंबो सम्मेलन जो कि 1954 में हुआ था। और गुट निरपेक्षता शब्द का पहला बार प्रयोग करने वाले थे 1953 में कृष्ण मेनन साहब, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, 18 से 27 अप्रैल 1955 में एशिया और अफ्रीकन राष्ट्र के एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है बांडुंग में। कहां पर विद्यार्थियों, बांडुंग में जो है इसका सम्मेलन किया जाता है और बांडुंग में पहली बार गुट निरपेक्षता
जैसे संगठन की स्थापना होनी चाहिए इस बात पर डिस्कस किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। एशिया और अफ्रीकन राष्ट्रों के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है कि हमें एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता होगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए एक संगठन का होना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुट निरपेक्षता के विचारों को पहली बार 1955 के बांडुंग सम्मेलन में किया गया, इसीलिए माना जाता है नाम की स्थापना 1955 के बांडुंग सम्मेलन के कारण हुई। कब हुई स्थापना? 1955 में हुई। कहां पर हुई विद्यार्थियों? बांडुंग में हुई। कहां पर हुई तो आपसे पूछा जा सकता है, गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होगा विद्यार्थियों 1955 के बांडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत हुई। पहली बार प्रयोग प्रश्न मेनन ने किया। नाम शब्द का प्रयोग 1954 के कोलंबो सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब बात आती है 1956 में होइनी बेलगेड में भी एशिया अफ्रीकन राष्ट्रों का एक सम्मेलन होता है और इसमें बांडुंग सिद्धांत जो रखे गए थे उनकी पुष्टि ये सम्मेलन कर देता है। उसके बाद अब बात ये आती है कि ये जो गुट निरपेक्षता का जो सम्मेलन हुआ 1955 में नाम की स्थापना हुई, उनमें 5 संस्थापकों का मैन रोल माना जाता है जिन्होंने गुट निरपेक्षता की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया। तो गुट निरपेक्षता के संस्थापक विद्यार्थियों 5 नेता माने जाते हैं। 5 नेता कौन कौन से हैं विद्यार्थियों वो देखो, 5 नेता जो गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं उनमें सबसे पहला है मिस्र। मिस्र का कौन था? मिस्र इंडोनेशिया घाना यूगोस्लोवाकिया के नेता जो थे, इन्होंने इसमें क्या लिया था विद्यार्थियों? इसमें भाग लिया था। और इसमें ध्यान रखना, यूगोस्लोवाकिया, भारत, इंडोनेशिया और मिस्र, इनके नेताओं को नाम के संस्थापक सदस्यों में से माना जाता है। कि नाम के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे विद्यार्थियों? मिस्र का कौन था? अब्दुल नासिर था। कौन था? अब्दुल नासिर था, मिस्र का अब्दुल नासिर, ठीक है विद्यार्थियों। इंडोनेशिया का कौन था? इंडोनेशियो का था, कौन था? सुकर्णो। घाना का कौन था? एना रुमा। और आपका यूगोस्लोवाकिया का कौन था? मार्शल टीटो। और भारत का कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता के संस्थापक सदस्यों में से किन किन को शामिल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए गुट निरपेक्षता आंदोलन में मिस्र की तरफ से थे अब्दुल नासिर, जिन्होंने गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना करने में अपना योगदान दिया था। इसके अलावा इंडोनेशिया के थे सुकर्णो। कौन थे? सुकर्णो इंडोनेशिया के। घाना के थे एना क्रुमा। कौन थे? एना क्रुमा थे। मार्शल टीटो यूगोस्लोवाकिया के। और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन 5 संस्थापक नेताओं ने गुट निरपेक्षता की स्थापना करने में अपना अहम रोल अदा किया था। अब आती है कि ये जो गुट निरपेक्षता की स्थापना हुई इसके प्रथम सम्मेलन, ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुट निरपेक्षता की स्थापना कब हुई तो 1955 बांडुंग करना है, जबकि आपसे ये पूछा जाए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी तो ध्यान रखना 1961 के ब्रेलगेड सम्मेलन। 1961 में ब्रेलगेड में गुट निरपेक्षता के पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया था विद्यार्थियों।
आगे की वीडियोस में इसमें जो जो सम्मेलन भारत में हुए और भारत से बाहर जो जो सम्मेलन इम्पोर्टेंट है इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे विद्यार्थियों। तो प्रथम सम्मेलन का ध्यान रखना है 1961 के बेलग्रेड में गुट निरपेक्षता नाम के प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था विद्यार्थियों। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि प्रथम सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था 1961 में और गुट निरपेक्षता के संस्थापक सदस्य थे विद्यार्थियों 25। कितने थे? 25 इसके संस्थापक सदस्य थे और वर्तमान में नाम के सदस्य संख्या है 120। 120 सदस्य राष्ट्र है किसमें? गुट निरपेक्षता में। और माना जाता है कि यूएनओ के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा जो संगठन है वो आपका गुट निरपेक्षता है। कौन सा है? गुट निरपेक्षता। अब बात आती है कि गुट निरपेक्षता की जो सदस्यता प्राप्त करेगा उसको किन 5 आधार शर्तों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई नाम की सदस्यता प्राप्त करता है तो उन्हें किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो देखिए विद्यार्थियों 5 आधार शर्तें हैं। एक तो उसको स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना पड़ेगा, स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना होगा, किसी बाहरी आधिपत्य के प्रेशर में आकर के अपनी विदेश नीति को परिवर्तित नहीं करेगा, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगा, वो ही गुट निरपेक्षता का सदस्य माना जा सकता है। फिर आता है जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करे, सैन्य संगठनों में शामिल ना हो, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन में शामिल नहीं होना चाहिए और दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हो, शीत युद्ध के गुटों में शामिल नहीं होना ही गुट निरपेक्षता की 5 आधार शर्तें थी विद्यार्थियों। अब आप देखिए मार्शल टीटो, जॉन फॉस्टर डलेस और इंदिरा गांधी ने गुट निरपेक्षता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो क्या है? देखिए मार्शल टीटो ने क्या कहा है कि गुट निरपेक्षता का जो संगठन है वो एक क्या है, गुट निरपेक्षता का सम्मेलन शीत युद्ध के गुटों से अलग रहकर, शीत युद्ध के गुटों से अलग रहकर एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना ही गुट निरपेक्षता है। क्या कहा इसने? मार्शल टीटो ने कहा स्वतंत्र विकास का अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समान रूप से भागीदारी करने वाला मंच ही गुट निरपेक्षता है। क्या लिखना है इसमें? स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने वाला व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समान भागीदारी करना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। जॉन फॉस्टर डलेस ने कहा कि शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद गुट निरपेक्षता को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। ये बात जॉन फॉस्टर डलेस ने कही कि अगर अब शीत युद्ध है ही नहीं, विश्व राष्ट्रों में दो गुट ही नहीं है, अब तो बहुत दुर्वीय व्यवस्था है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमें इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आज की समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए गुट निरपेक्षता कई चीजों में अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में अपने आप को प्रस्तुति दे पा रहा है, तो हमें गुट निरपेक्षता का औचित्य आज भी विद्यमान है। लेकिन जॉन फॉस्टर डलेस ने कहा कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही गुट निरपेक्षता को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब बात आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा गुट निरपेक्षता विश्व का सबसे बड़ा मानववादी आंदोलन है। गुट निरपेक्षता विश्व का सबसे बड़ा मानववादी आंदोलन है।
ये बात कही इंदिरा गांधी ने। तो तीनों के कथन ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। मार्शल टीटो ने कहा स्वतंत्र रूप से भागीदारी हो और अंतरराष्ट्रीय मंच पर समान रूप से भागीदारी हो, वही गुटनिरपेक्षता है। जॉन फॉस्टर डलेस ने कहा कि गुटनिरपेक्षता को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि गुटनिरपेक्षता एक विश्व का सबसे बड़ा मानववादी आंदोलन है। हमने इतनी चीजें देखी तो हमें ये तो पता चल ही गया होगा कि गुटनिरपेक्षता क्या है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है विद्यार्थियों, शीत युद्ध के दौर में जो दो गुट बने हुए हैं उन दोनों गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में विश्व साझेदारी करने का प्रयास निरंतर रूप से जारी रखने की जो प्रक्रिया है वही गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाती है विद्यार्थियों। तो गुटनिरपेक्षता क्या है? गुटनिरपेक्षता है स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना। अलगाववादी नहीं है, अलगाववाद का मतलब है विश्व राष्ट्रों से अलग थलग नीति, लेकिन गुटनिरपेक्षता अलग रहने की नीति नहीं है, तटस्थता की नीति नहीं है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है गुटों से अलग रहने की नीति, सैन्य गुटों से अलग रहने की नीति, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने की नीति, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने की रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से भागीदारी करने की नीति, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने की नीति, मानवतावादी नीति, ये क्या है विद्यार्थियों? गुटनिरपेक्षता है। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब आप सबको समझ में आना चाहिए विद्यार्थियों, क्या कि गुटनिरपेक्षता क्या है विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना, गुटनिरपेक्षता का मतलब है स्वतंत्र विदेश नीति का, क्या? स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हुए, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हुए क्या करना? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने की नीति क्या कहलाती है विद्यार्थियों? गुटनिरपेक्षता की नीति। तो इस बात से हम इसकी विशेषताओं के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता सैन्य संधियों से दूर रहता है, गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध का विरोध करता है, गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है, गुटनिरपेक्षता दोनों गुटों की गुटबंदी से दूर रहने की नीति है, गुटनिरपेक्षता समस्त विश्व में शांति और सभी राष्ट्रों को समान भागीदारी, समान रंगमंच प्रस्तुत करने की नीति है, हस्तक्षेप किसी भी देश पर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करने की नीति है, इसके अलावा क्रियाशीलता की नीति है। इसका मतलब है ये तटस्थ नहीं है, ये अलगाववादी नीति नहीं है, ये क्रियाशीलता की नीति है कि गुटों से अलग रहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी समान भागीदारी देना केवल गुटों से अलग रहना है। इसके अलावा उदारवादी आंदोलन का समर्थन करता है गुटनिरपेक्षता आंदोलन। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, गुटनिरपेक्षता कृष्ण मेनन ने 1953 में प्रयोग किया, गुटनिरपेक्षता की स्थापना 1955 के बांडू सम्मेलन में हुआ, प्रथम सम्मेलन बेलगेड में हुआ और इसकी संस्थापक जो सदस्य थे उनमें पांचों के नाम ध्यान रखना, मिस्र का अब्दुल नासी, इंडोनेशिया का सुकर्णो, घाना का एना कुमा, युगोस्लोवाकिया का मार्शल टीटो और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका गुटनिरपेक्षता को स्थापित करने के पीछे इनका हाथ था। गुटनिरपेक्षता क्यों प्रारंभ हुई? शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों से अलग रहने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसी का नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और गुटनिरपेक्षता का मतलब यही है विद्यार्थियों, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण व अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने की नीति ही गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाती है। आगे के वीडियोस में हम गुटनिरपेक्षता के जो भी सम्मेलन है उनका जो संगठन व्यवस्था है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने गुटनिरपेक्षता की स्थापना, कारण, विशेषताएं इन सब के बारे में डिस्कस किया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में गुट निरपेक्षता का पहली बार नाम रखा था विद्यार्थियों, क्या क्या रखा था? नाम रखा था NAM, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम। आज जो कि एक संस्थापक सदस्य 25 थे, आज बढ़कर के इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या हो गई है कितनी, 120 हो गई है। और आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व बना हुआ है। आप चाहते हैं आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाऊं तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर आइए, हमारे वीडियोस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स और शेयरिंग कीजिए ताकि आगे के वीडियोस को बनाए रखने की जो नीति है हम जारी रह सके। आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, एकेडमिक एग्जाम्स की हम अच्छे से तैयारी करवा सके विद्यार्थियों, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।